अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ब्यूटी टिप्स लाएं जो कि बच्चों के मुतालिक है। बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ जिनकी स्किन धूप में खेलने की वजह से सनटैन हो जाता है, या उनके स्किन पे चेहरे पे थोड़े थोड़े से बाल होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बाल होते हैं। उसको रिमूव करने के लिए और सनटैन रिमूव करने के लिए आज मैं एक ब्यूटी टिप्स लाई हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन 1 टेबल स्पून भर के, आटा जो आम घरों में होता है 1 टेबल स्पून, हल्दी बिल्कुल 1 चुटकी ली है मैंने, थोड़ा सा हम इसमें विटामिन ई ऑयल डालेंगे और रोज वाटर से इसको हम गूंद लेंगे। तो यहाँ हमें चाहिए 1 बाउल बेसन डालेंगे, इसमें आटा, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, इन तीनों चीज़ों को पहले मिक्स कर दूंगी मैं। विटामिन ई ऑयल और इसको हम रोज वाटर के साथ पेस्ट बना लेंगे। अगर रोज वाटर नहीं है तो पानी से यूज़ करना है, पानी से एक डो बना लें। ये देखिए जी, ऐसे हमने डो बना लिए और फिर इससे ऐसे बच्चों का मसाज करें। थोड़ा सा ऑयल ले लें, ऑयल में इसको लगा लें और फिर बच्चों का मसाज करें। हमारी नानियां दादियां ये डो इस्तेमाल करती थी, लेकिन इसमें बेसन नहीं यूज़ करती थी, बेसन और विटामिन ई ऑयल। तो आप लोग चाहें तो बेसन यूज़ कर सकते हैं और या फिर खाली आटे से भी आप बना सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ऐसा हो। इससे छोटे छोटे बाल जो होते हैं स्किन से वो भी निकल जाएंगे और रंग भी फेयर हो जाएगा। तो पहले ज़माने में लोग, हमारी दादी नानी जब बच्चे छोटे होते थे तो उन पर अच्छा सा मालिश करती थी। मालिश करने के बाद आटे की लोई ज़रूर फेरती थी ताकि उनका रंग साफ हो और जो स्किन पे बाल होते हैं वो रिमूव हो जाएँ। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसन डाला इसमें और विटामिन ई ऑयल और आटा और हल्दी। अगर किसी बच्चे को एलर्जी है हल्दी से या फिर बेसन से तो आप खाली आटे की डो वो भी फेर सकते हैं बच्चे के ऊपर, तो खाली आटे की डो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सनटैन वगैरह रिमूव होगा और जो छोटे छोटे बाल होते हैं स्किन पे वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और इसे वीक में, अगर बेसन का बना रहे हैं तो वीक में एक दफ़ा यूज़ कीजिएगा, और अगर आटे का बना रहे हैं तो वो रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। बेसन और हल्दी का मैंने बनाया है तो मैं इसे हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करूँगी, और आटे का जो खाली आटा घर में होता है गूंदा हुआ वो थोड़ा सा लेके उससे अगर आप कर रहे हैं तो वो रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। और ज़रा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मुझे, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल पर आपको ईजी आसान ब्यूटी टिप्स मिलेंगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको मेरी वीडियो के मुताबिक कोई बात पूछना है तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस पर। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।